नमस्कार, ताप्ती अर्जुन मीडिया में मैं मृत्युंजय पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बैतूल जिले की हर छोटी और बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपने आसपास की घटनाओं, खबरों एवं परेशानियों को हम तक पहुँचाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। बैतूल, नाबालिग रेप पीड़िता का अबॉर्शन करने वाले करुणा हॉस्पिटल में 5 महीनों में हुई 439 सोनोग्राफी, 3 महीनों में करवाए 36 गर्भपात। मामला बैतूल के करुणा हॉस्पिटल का है, जहां की डायरेक्टर डॉक्टर वंदना कापसे पर कल गुरुवार को एक और FIR दर्ज हुई। बैतूल जिला मुख्यालय पर भ्रूणलिंग परीक्षण के गोरख धंधे का खुलासा हुआ है। यहां पर पिछले 5 महीनों में 439 महिलाओं की सोनोग्राफी की गई, वहीं इस दौरान 3 महीनों में 36 गर्भपात करवाए गए। हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर एक रेप पीड़ित नाबालिग का गर्भपात कराने के मामले में फिलहाल जेल में बंद है। डॉक्टर के खिलाफ कल एक और FIR दर्ज की गई। यह मामला पहले से ज़्यादा संगीन है। जांच में सामने आया है कि महिला डॉक्टर ने अपने अस्पताल की सोनोग्राफी मशीन के माध्यम से पिछले 5 महीनों में 439 भ्रूण का लिंग परीक्षण किया है। बैतूल में भ्रूण लिंग परीक्षण और अबॉर्शन के इस संवेदनशील मामले में आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। बैतूल, रानीपुर पुलिस ने पत्नी के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर मेडिकल के लिए लाया जिला चिकित्सालय। मामला रानीपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक व्यक्ति के द्वारा अपनी पत्नी के साथ में मारपीट की गई, जिसके बाद फरियादी महिला ने रानीपुर थाने पहुंचकर अपने पति के खिलाफ मारपीट के मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई, जहाँ रानीपुर पुलिस ने शिकायत प्राप्त करने के बाद आरोपी पति को गिरफ्तार कर कल बैतूल के जिला चिकित्सालय में उक्त आरोपी का मेडिकल करवाया। बैतूल नेहरू पार्क चौक पर अंबेडकर जयंती के अवसर पर कल देर रात तक चला संगीत कार्यक्रम, सैकड़ों लोग रहे उपस्थित। बैतूल जिला मुख्यालय के नेहरू पार्क चौक पर कल अंबेडकर जयंती के अवसर पर देर रात तक कार्यक्रम चलता रहा। इसको सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में सामाजिक बंधु उपस्थित रहे। आपको बता दें कि कल अंबेडकर जयंती के अवसर पर जिले भर में हर जगह सामाजिक बंधुओं के द्वारा उत्साहपूर्वक जयंती मनाई गई। उसी के तारतम्य में कल जिला मुख्यालय पर संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान संपूर्ण जिले से सभी सामाजिक बंधु उपस्थित हुए। यह कार्यक्रम देर रात तक चलता रहा, जिसमें माता बहनें सहित बुजुर्ग और बच्चों के साथ साथ युवाओं ने भी इस संगीतमय संध्या का लुत्फ उठाया। बैतूल महावीर जयंती पर कोठी बाजार से निकाली गई शोभा यात्रा, क्षेत्रीय विधायक श्री निलय डागा हुए शामिल। महावीर जयंती के अवसर पर कल बैतूल के कोठी बाजार से जैन समाज के द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची। इस दौरान बैतूल विधायक श्री निलय डागा भी इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। आपको बता दें कि सकल जैन समाज के द्वारा कल गुरुवार को महावीर जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। पूजन अर्चन के साथ ही इस शोभा यात्रा का समापन भी किया गया। बैतूल, मोरड़ निवासी व्यक्ति ने किया जहरीले पदार्थ का सेवन, उपचार हेतु जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। मामला बैतूल जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम मोरड़ का है, जहां पर मोरड़ निवासी गुलाब नाम के एक व्यक्ति के द्वारा अज्ञात कारणों के चलते जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया गया, जहां स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद परिजनों ने स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उक्त व्यक्ति को लेकर गए, जहां हालत में सुधार नहीं होने के चलते उसे जिला चिकित्सालय बैतूल के लिए रेफर कर दिया गया। फिलहाल उक्त युवक का इलाज जारी है। बैतूल पुलिस पेट्रोल पंप पर खत्म हुआ पेट्रोल, NH के सुक्तवा पुल टूटने से हुई समस्या। नेशनल हाईवे 69 पर सुक्तवा नदी का पुल टूट जाने से भारी वाहनों का आवागमन बंद हो गया है। आपको बता दें कि रपटा बनाकर छोटे वाहनों का निकालना प्रारंभ कर दिया गया है, परंतु बड़े और भारी वाहनों की आवाजाही अभी भी बंद है। इसी के चलते पुलिस पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिससे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खत्म हो गया है। वहीं पेट्रोल पंप पर एक बोर्ड लगा दिया गया है कि पेट्रोल उपलब्ध नहीं है। मुल्ताई, अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में शिक्षकों ने किया हंगामा, पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर की नारेबाजी, विधायक ने मंच से दिया विधानसभा में मामला उठाने का आश्वासन।
मुलताई क्षेत्र के ग्राम पाबल में डॉक्टर अंबेडकर जयंती के अवसर पर शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए मुलताई विधायक श्री सुखदेव पांसे से मांग की, जिस पर श्री पांसे ने विधानसभा में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा उठाने के लिए सभी को आश्वस्त किया। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरह मध्य प्रदेश में भी पुनः पेंशन बहाली किए जाने का समर्थन किया। आपको बता दें कि पाबल में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया जाना था। इस कार्यक्रम में विधायक श्री पांसे भी पहुंचे थे, लेकिन यहां पर बड़ी संख्या में शिक्षक पहुंच गए और पुरानी पेंशन बहाली की मांग करने लगे। साथ ही उनके द्वारा जमकर नारेबाजी भी की गई। मुलताई नगर में धूमधाम से मनाई गई डॉक्टर अंबेडकर की 131वीं जयंती, निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। पवित्र नगरी मुलताई के नागपुर नाके पर कल गुरुवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर सुबह 9 बजे ताप्ती तट स्थित बुद्ध विहार से भव्य रैली का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बाबा साहब के जयकारे लगाते हुए बैंड बाजे और डीजे के साथ करीब 12 बजे अंबेडकर चौक पर यह रैली पहुंची, जहां पर अंबेडकर जी की प्रतिमा पर आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री डीडी पाटिल और बौद्ध विहार समिति के अध्यक्ष श्री राम लोखंडे के द्वारा माल्यार्पण किया गया। मुलताई जैन मंदिर प्रांगण में सकल जैन समाज के द्वारा धूमधाम से मनाई गई भगवान महावीर स्वामी की जयंती शोभा यात्रा का हुआ आयोजन। महावीर जयंती पर कल गुरुवार को जैन मंदिर से भगवान महावीर की शोभा यात्रा निकाली गई। सुबह श्रद्धालुओं के द्वारा मंदिर में विधि विधान से पूजन एवं अभिषेक करने के बाद गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया, साथ ही पुष्प वर्षा भी की गई। जैन समुदाय के राजू जैन, दीपेश बोथरा, राजू वाकेकर, देवेंद्र धोपाड़े सहित अन्य लोगों ने बताया कि सुबह से लेकर शाम तक मंदिर में इस अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। मुलताई बिरुल बाजार में अंबेडकर जयंती पर निकाला गया भव्य जुलूस, की गई संगमरमर की प्रतिमा भेंट। मुलताई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बिरुल बाजार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भाजपा नेता राजा पवार एवं नरेश पाटे के द्वारा बाबा साहेब की संगमरमर की प्रतिमा जयपुर से बुलाकर भेंट की गई। जयंती पर संगमरमर की प्रतिमा के साथ कल विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष भास्कर मगरदे, प्रमोद धोटे, नरेंद्र गिरी गोस्वामी सहित अन्य कार्यकर्ता और ग्रामीण उपस्थित रहे। आमला सोमलापुर गांव में आंखों का इलाज कराने गया 45 वर्षीय व्यक्ति हुआ लापता, परिजनों ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। मामला आमला ब्लॉक के बोरदे थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सोमलापुर गांव का है, जहां पर आंखों का इलाज कराने गए 45 वर्षीय एक व्यक्ति के लापता होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद परिजनों ने बोरदे थाने में पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। आमला रिखड़ी गांव में शराब के नशे में धुत दो शराबियों ने एक घर में घुसकर युवती के साथ की छेड़छाड़, मामला हुआ दर्ज। आमला ब्लॉक के अंतर्गत रिखड़ी गांव में एक युवती के घर में घुसकर दो युवकों ने शराब पीकर छेड़छाड़ की, जिसके बाद पीड़िता ने थाने में पहुंचकर मामला दर्ज कराया। आपको बता दें कि बोरदई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रिखड़ी गांव में एक युवती के घर में विकास और विजय नाम के दो युवक शराब के नशे में घुसे एवं युवती के साथ में छेड़छाड़ की, जिसके बाद युवती ने दोनों युवकों के खिलाफ थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। घोड़ाडोंगरी कुही में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी से की मारपीट, घायल पत्नी का रानीपुर पुलिस ने घोड़ोंगरी अस्पताल में कराया मेडिकल। घोड़ोंगरी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुही में कल गुरुवार के दोपहर करीब 12 बजे घरेलू विवाद में एक पति ने अपनी पत्नी से मारपीट करके उसे घायल कर दिया, जिसके बाद पत्नी ने इसकी शिकायत डायल 100 की टीम से की, जहां सूचना मिलने पर डायल 100 की टीम मौके पर पहुंची एवं घायल महिला को थाने लेकर आई। रानीपुर पुलिस ने कल गुरुवार की दोपहर करीब 1 बजे घोड़ोंगरी अस्पताल में उक्त महिला का मेडिकल करवाया। भैंसदेई स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत भैंसदेई नगर परिषद के द्वारा नगर के मुख्य बस स्टैंड पर बनवाई जा रही है सुंदर पेंटिंग्स। भैंसदेई में नगर परिषद के द्वारा पेंटर के माध्यम से स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत इन दिनों मुख्य बस स्टैंड पर
पेंटिंग बनवाने का कार्य किया जा रहा है, जहां सीएमओ एस के जैन ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत इन दिनों शहर के मुख्य बस स्टैंड पर ऐतिहासिक धरोहरों की आकृति और चित्र बनाए जा रहे हैं, ताकि शहर में आने जाने वाले लोगों को शहर के ऐतिहासिक धरोहर के बारे में पता लग सके। भैंसदेही शहर में अंबेडकर समिति ने नगर में धूमधाम से निकाली शोभा यात्रा, बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु रहे उपस्थित। भैंसदेही शहर में कल अंबेडकर समिति के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा नगर में निकाली गई। यह शोभा यात्रा नगर में विभिन्न मुख्य मार्गों से होते हुए मुख्य बस स्टैंड और बाजार चौक से अंबेडकर प्रांगण में समाप्त हुई। सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने इस दौरान बड़ी संख्या में भाग लिया। वहीं डीजे की धुन पर समस्त युवाओं ने शोभा यात्रा में जमकर डांस भी किया। चिचोली नगर सहित ब्लॉक में धूमधाम से मनाई गई बाबा साहब की 131वीं जयंती, निकाली गई शोभा यात्रा। चिचोली नगर में अंबेडकर जयंती के अवसर पर कल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा धूमधाम से नगर में निकाली गई। इस दौरान नगर के मुख्य चौक चौराहों पर इस शोभा यात्रा का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। आपको बता दें कि भाजपा कांग्रेस संघ सहित विभिन्न संगठनों के नेताओं ने कल प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण करते हुए उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। आठनेर नगर के वार्ड क्रमांक 5 में गुणवंत बाबा मंदिर में बजरंग दल की बैठक हुई संपन्न। कल धूमधाम से मनाई जाएगी हनुमान जयंती। आठनेर नगर के शहरी क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 5 गुणवंत बाबा मंदिर में कल बजरंग दल इकाई आठनेर के कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कल हनुमान जयंती पर्व को धूमधाम से मनाए जाने को लेकर सहमति बनी। सुरेश बरोदे के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि 16 अप्रैल को आयोजित होने वाले हनुमान जयंती के कार्यक्रम के दौरान बड़े धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली जाएंगी। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें एवं वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।